गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैरो। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त अंकिता विशिष्ट। सो आज का जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 9.3 चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो व्हाट इज द क्वेश्चन बिफोर एनी टाइम डिलेज। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्सिस। फैमिली ऑफ इलिप्सिस लिखा है तो मतलब एक जनरल इक्वेशन की बात की जा रही है। यहाँ इलिप्सिस हैविंग फोकी ऑन द वाई एक्सिस, फोकस इसका वाई एक्सिस पे है एंड सेंटर इसका ओरिजिन पे, मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो जब हमारा फोकस जो इलिप्स का होता है अगर वो वाई एक्सिस पे हो, फोकस वाई एक्सिस पे हो, तो मतलब कौन सी इलिप्स बन रही है मेरे पास? वर्टिकल इलिप्स। और मेरे पास वर्टिकल इलिप्स का ये मेरे पास कितना हो जाता है? ये बी हो जाता है और ये ए हो जाता है, है ना जी, मेजर एक्सिस। तो अब वर्टिकल इलिप्स क्या बनेगी मेरे पास, इसकी इक्वेशन क्या होती है वर्टिकल इलिप्स को? वर्टिकल इलिप्स होता है एक्स स्क्वायर बाय ए, एक्स स्क्वायर इसको ए ले रही हूँ तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन। अगर तुम ये इक्वेशन नहीं लेते हो तो वर्टिकल इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू वन। दिस इज माय वर्टिकल इलिप्स की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन। देखो जी, इसको डेरिवेटिव करना है, कितनी बार करेंगे? दो बार। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है दो, तो डिफ्रेंशिएट भी कितनी बार होगा? दो। सिंपल एज इट इज, करो इसको फिर सॉल्व। देखो सबसे पहले मैं क्या कर सकती हूँ, सबसे पहले मैं तो डायरेक्ट ऐसे ही डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, या मैं कहूँ कि मैं ऐसे ही कर लेते हैं डिफरेंशिएट, या फिर एलसीएम लेके ए और बी को उधर ले जाए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं तो कह रही हूँ डायरेक्ट ही डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ये मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। अब मेरे पास आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट कितने हैं? दो, तो डिफरेंशिएट कितनी बार होगा? दो बार। तो देखो कैसे करेंगे, पहले मैं ना इनका एलसीएम ले लेती हूँ, तो ये कुछ इस हिसाब से आएगा, ठीक है जी, इक्वल टू वन। तो ये वन से इक्वल टू हटके, सॉरी गंदा करने के लिए, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है जी, ये इधर आ गया। अब आगे देखेंगे, आगे देखेंगे मैं क्या करूंगी आगे वाले स्टेप में, मैं सिंपली डिफरेंशिएट कर देती हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देती हूँ। तो क्या आ जाएगा डिफरेंशिएट करके? यहाँ पे मेरे पास आएगा ए स्क्वायर टू एक्स प्लस ये आएगा टू बी स्क्वायर वाई, एंड फिर वाई का दोबारा डेरिवेटिव फाइव डैश, ये तो हो गया जीरो। अब देखो ए को भी ले लेती हूँ मैं कॉमन और उधर ले जाती हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन ए ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई वाई डैश आ गई इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं एक टर्म को उधर ले जा सकती हूँ, बिल्कुल ले जाती हूँ भाई। तो ये मेरे पास आएगा ए बी स्क्वायर वाई वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को ना मैं इधर अकेला रहने देती हूँ, एक्स नीचे ले आती हूँ यहाँ पे इसके पास, तो मेरे पास आएगा बी स्क्वायर वाई वाई डैश ओवर नीचे आ जाएगा एक्स, ये आ जाएगा माइनस ए, ठीक है, कुछ समझ आया कर क्या रही हूं मैं? ओके अब बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा सिंपली, तो माइनस ए ए स्क्वायर चल रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, यू और वी लग जाएगा, ये नीचे वी स्क्वायर वी, डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ ऐसे लिख रही हूँ तुम्हारे लिए यू, ठीक है जी, माइनस ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव, ये तो वन आ गया, इक्वल टू ये तो जीरो हो गया, सारे कॉन्स्टेंट है। अभी एक्स स्क्वायर इधर डिवाइड कर रहे इधर जाके मल्टीप्लाई, ये भी जीरो हो गया, एक्स इंटू अब ये इसका डेरिवेटिव u इंटू डेरिवेटिव ऑफ इसकी बात सेकेंड फंक्शन, अब सेकेंड फंक्शन प्लस में एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन,
कितना समय लगा, माइनस वाई ऑफ वाई डैश इक्वल टू जीरो। अब देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई वाई डैश। अब देखिए ये इक्वेशन कुछ इस हिसाब से बन रही है मेरे पास, इक्वेशन मेरे पास कुछ इस हिसाब से बनेगी कि वाई डबल डैश वाई एक्स प्लस वाई डैश का स्क्वायर एक्स माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू जीरो। अगर आपको इसको और सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई तो हो जाएगा, और सिंप्लीफाई भी हो जाएगा, अगर आप इन दोनों में से वाई डैश को कॉमन निकालना चाहते हो तो भी हो जाएगा, बट आई थिंक दिस इज इनफ, इतना ठीक है, आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो। सो अगर आपको नहीं समझ आया प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप मेरी मेल पे पूछ सकते हैं जो नीचे दी हुई है, टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, एनी वे यू फील कम्फर्टेबल। सो आई थिंक आपको समझ आया हो, एंड हैव अ सेफ एंड नाइस डे, बाय।